बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज का हमारा टॉपिक है पब्लिक सर्वेंट विच इज डिफाइंड बाय सेक्शन 21 ऑफ पीपीसी। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसको बेयर रीडिंग की थी सेक्शन की। इस सेक्शन की इलस्ट्रेशन प्रोवाइडेड है जिसमें आगे फर्दर तीन एक्सप्लेनेशंस हैं। तो आज हम इलस्ट्रेशन से ऑनवर्ड इसकी तीन एक्सप्लेनेशन को देखेंगे और उसके बाद डिफरेंट केस लॉज के कौन से मुलाजमीन हैं जो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आते हैं और कौन से मुलाजमीन हैं जो पब्लिक सर्विस की सर्वेंट की डेफिनेशन में नहीं आते। तो बिफोर डिलेटिंग अबाउट माई सब्जेक्ट, लेट्स मेक वन थिंग वेरी क्लियर अबाउट दैट इज के इलस्ट्रेशन की लीगल क्या हैसियत होती है। पीपीसी में जौन सी भी इलस्ट्रेशन प्रोवाइडेड है सेक्शन के साथ, दैट शैल बी डीम्ड टू पार्ट ऑफ दैट सेक्शन, नंबर वन। नंबर टू, आज के ये जो टॉपिक हम ले रहे हैं पब्लिक सर्वेंट का डिस्कस कर रहे हैं, ये ज्यादा अहम क्यों है? ये ज्यादा अहम इसलिए है कि आप जानते हैं एंटी करप्शन एक्ट है, तो जो सरकारी मुलाजिम होगा, पब्लिक सर्वेंट होगा, उसका आम कानून के तहत नहीं होगा। अगर उसने कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी है, अगर कोई जुर्म किया है, तो उसके खिलाफ आम थाने को ज्यूरिसडिक्शन हासिल नहीं है, ना तफ्तीश का इख्तियार है, ना पर्चा दर्ज करने का इख्तियार है। वो किस लिए? वो इसलिए कि आप जानते हैं कि स्पेशल लॉ प्रिवेल्स द जनरल लॉ। तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 इज ए स्पेशल लॉ। तो जितने भी सरकारी मुलाजमीन होंगे, अगर उनमें से कोई जुर्म करता है, अफेंस कमिट करता है, इर्तिकाब है, जुर्म करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई प्रोसीजर जैसा कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में प्रोवाइडेड है, उसके तहत किया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द इलस्ट्रेशन एक्सप्लेनेशन नंबर वन प्रोवाइड्स दैट म्युनिसिपल कमिश्नर शैल बी डीम्ड टू बी ए पब्लिक सर्वेंट। एक्सप्लेनेशन नंबर वन में यह बात की गई। एक्सप्लेनेशन टू क्या है कि जब भी कभी पब्लिक सर्वेंट वर्ड यूज आएगा, तो इट इज टू बी अंडरस्टूड दैट एवरी पर्सन हु इज इन एक्चुअल पोजेशन ऑफ द सिचुएशन ऑफ ए पब्लिक सर्वेंट, हर वो शख्स जो एक्चुअल पोजेशन ऑफ द ऑफिस, ऑफिस होल्डर है, अथॉरिटी इख्तियार कर रहा है एक्चुअली, भले उसके अथॉरिटी होल्ड करने की बाबत जितना मर्जी कोई लीगल सुकम हो, जितना मर्जी कोई उसकी उस पोजीशन को होल्ड करने के बारे में जितना मर्जी वैलिड या सब्सटेंशियल कोई इतराज हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। मिसाल के तौर पर कोई आदमी कहता है इसकी तो डिग्री ही जाली है, या उसमें कोई और सुकम इंडिकेट करता है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा उसकी पोजीशन को। दिस इज प्रोवाइडेड बाय एक्सप्लेनेशन नंबर टू। एंड एक्सप्लेनेशन नंबर थ्री, द वर्ड इलेक्शन डिनोट्स, एक्सप्लेनेशन नंबर थ्री में इलेक्शन को एलेबोरेट किया गया है कि इसका मकसद है कि हर वो इलेक्शन, चाहे वो लेजिस्लेटिव बॉडी यानी वो कौमी असेंबली का हो, सूबाई असेंबलीज का हो, या म्युनिसिपल कमेटी का हो, बल्दियाती लोकल बॉडी इलेक्शन हो, हर वो इलेक्शन विच इज प्रोवाइडेड अंडर द लॉ टू बी एन इलेक्शन, और उसकी सिलेक्शन का एक तरीका कार बताया गया, तो वो इलेक्शन की डेफिनेशन में आता है। अब डिफरेंट केस लॉज के जरिए इस टर्म को हम एलेबोरेट करते हैं। पब्लिक सर्वेंट डिनोट्स पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस, हुकूमत या किसी लोकल एजेंसी, जैसा कि ट्राइबल एरियाज में है उनको एजेंसीज बोलते हैं, तो वो भी क्रिएशन ऑफ स्टैट्यूट है।
तो हर वो शख्स जो हुकूमत के बिहाफ पे ऑफिस होल्ड करता है और एक्सरसाइज करता है, उसमें वेस्ट करती है, मौजूद होती है सम सॉर्ट ऑफ अथॉरिटी टू डू एन एक्ट। अब इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि उसकी पोजीशन हाउ हाई और हाउ लो इट इज, वो जितना मर्जी एग्जाल्टेड ऑफिस है, जितना मर्जी हम्बल ऑफिस है, पोजीशन है या ऑफिस है, उससे फर्क नहीं पड़ता। सेंस क्या है कि मस्ट एक्सरसाइज सम डेलीगेटेड फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, जरूरी उसमें जो एक चीज उसका सेंस होना चाहिए वो ये है कि वो हुकूमत का तफवीज करदा, गवर्नमेंट का दिया गया इख्तियार उसको इस्तेमाल कर रहा है, या कोई ऐसा शख्स जिसका मुआविन वाला रोल है, इमदादी रोल है, एक्सिलरी कह लें, उस शख्स के लिए हु इज हैविंग अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट, डेलीगेटेड अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट, उसकी मुआवनत के लिए उसके उसके बतौर एक्सिलरी जो एक्ट कर रहा है, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आता है। दिस इज प्रोवाइडेड बाय पीएलडी 1962 लाहौर पेज 144। Another judgment, public servant हर वो शख्स duly appointed and invested with authority जिसकी proper तैनाती की गई हो और जिसको इख्तियार authority दी गई हो कि हकूमत के बिहाफ पर वो अपने उन दिए गए इख्तियारात या authority को exercise करे, इस्तेमाल करे और public duty सर अंजाम दे। कौन सी पब्लिक ड्यूटी? विच इज इम्पोज्ड बाय लॉ। इससे फर्क नहीं पड़ता वो मिनिस्टेरियल है या जुडिशियल है या मिक्स है, मिली जुली है, वो कोई सी भी हो सकती है। सो दिस इज रिपोर्टेड एज 1886 ब्रैकेट में 1AWN पेज 295। हर वो शख्स जो ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट है, यानी कौन है वो जो इज इन द सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट आर इन द पे ऑफ द गवर्नमेंट, और जिसका फर्ज क्या है कि वो पब्लिक अथॉरिटी एक्सरसाइज कर रहे हैं। और हां, इस जजमेंट में भी ये होल्ड कि इससे फर्क नहीं है कि वो कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, वो पोजीशन है या इख्तियार है या फंक्शनिंग है, हाउ हाई सो एवर, हाउ लो सो मे बी, हाउ एग्जाल्टेड इट मे बी, हाउ लो दैट मे बी, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज रिपोर्टेड एज 1995 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल पेज 1572। ओहदेदार होना, अपॉइंटमेंट एज सच ऑफ इनकम्बेंट इज नॉट ए प्री कंडीशन, मैज ओहदेदार होना या अपॉइंट हो जाना जरूरी नहीं है, प्री कंडीशन नहीं है। जरूरी क्या है? एक्चुअल पोजेशन ऑफ सिचुएशन। सो दिस इज रिपोर्टेड एज पीएलडी 1967 सुप्रीम कोर्ट पे 23 सेक्शन 21 पीपीसी जो पब्लिक सर्वेंट को डिफाइन करती है, उसका सब क्लास ए वो जाहिर करता है कि पब्लिक सर्वेंट कौन है, हु इज इन द सर्विस आर पे ऑफ गवर्नमेंट, या तनख्वाह लेता है या फीस लेता है या कमीशन लेता है, किसके लिए? वो पब्लिक ड्यूटी सर अंजाम देने के लिए। कौन सी पब्लिक ड्यूटी? विच इज इम्पोज्ड बाय लॉ, जो कानून ने कही है। सो दिस इज रिपोर्टेड एज AIR 1956 सुप्रीम कोर्ट पेज 847। एक चीज बहुत अहम है समझने के लिए, इसमें जो अल्फाज यूज हुए हैं इन दी सर्विस आर पे ऑफ गवर्नमेंट, इनको मिलाकर पढ़ना है, किसके साथ? विद द वर्ड्स फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी, इनको अलग अलग नहीं पढ़ा जा सकता। आई रिपीट, वर्ड यूज्ड इन्वर्टेड कॉमास इन दी सर्विस आर पे ऑफ गवर्नमेंट मस्ट बी रेड विद द वर्ड्स
फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ए पब्लिक ड्यूटी, तो फिर वो बनेगा क्या? पब्लिक सर्वेंट। पीएलडी 1955 सिंध 230 इस पॉइंट पे। अब एक और बात कि जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की सेक्शन 2 है वो प्रोवाइड करती है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट यानी एंटी करप्शन एक्ट इंसदादे रिश्वतस्तानी, उसकी सेक्शन 2 क्या प्रोवाइड करती है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के इस्तेमाल के लिए के मतलब के मफहूम के लिए वही शख्स पब्लिक सर्वेंट होगा जिसकी बाबत सेक्शन 21 जो हम डिस्कस कर रहे हैं पीपीसी वो प्रोवाइड कर, यानी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में सेक्शन 21 पीपीसी की ही डेफिनेशन को एज इट इज ले लिया गया है, जो 21 पीपीसी की डेफिनेशन में आता है वही उसके पर्पजेज फॉर द एंटी करप्शन प्रोसीडिंग के लिए इस्तेमाल होगा। सो दिस इज रिपोर्टेड एज ए आई आर 1977 सुप्रीम कोर्ट 1772। इस जजमेंट में एक और बड़ा अहम पॉइंट भी एलेबोरेट किया गया, वो भी समझ लीजिए। अब अगर एक शख्स है पब्लिक सर्वेंट है सरकारी मुलाजिम है और वो रिटायर हो गया या उसको निकाल दिया गया, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। एक जुर्म हुआ सरकारी कैपेसिटी में, ऑफिशियल कैपेसिटी में पब्लिक सर्वेंट ने कोई इर्तिकाबे जुर्म किया, मैं मिसाल देता हूं टू मेक इट इजीली अंडरस्टैंडेबल, तहसीलदार ने जाली इंतकाल कर दिया, कोई और औरतें थी उनको शो करके एक गलत काम कर दिया, अब उसका पता चला 4 साल बाद या 104 साल बाद, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्रिमिनल लॉ में कोई लिमिटेशन नहीं है। तो जब पता चला तो उस वक्त ये नहीं कह सकता कि मैं तो रिटायर्ड हूं। तो असल पॉइंट क्या है, एसर्टेन करने के लिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत कोई शख्स मुलजिम है या नहीं, इसको तय करने के लिए उस वक्त सर्विस में मौजूद होना जरूरी नहीं है। कहां से इसको तय करेंगे? दैट इज द पॉइंट, दैट इज द डेट ऑन विच द अलेज्ड ऑफेंस इज कमिटेड। जुर्म जब किया था उस वक्त वो आदमी कौन था वहां पे सरकारी मुलाजिम, किसने किया था, अब भले वो रिटायर हो चुके या निकाल दिया गया। हां सिर्फ एक सूरत है, अगर मर गया है तो ठीक है, क्यों? प्रिंसिपल है क्रिमिनल लाइबिलिटी डाइज विद द पर्सन, फिर उसके वो और कोई जिम्मेदार नहीं है। हां जो सिविल कॉन्सिक्वेंसेज हैं माली मामलात हैं वो आगे जो सक्सेसर्स होते हैं उन पर जरूर जाएंगे, क्रिमिनल लाइबिलिटी मर जाएगी विद द पर्सन। तो ये भी इस जजमेंट में नोट फरमाए। अब एक फाउंडेशन है उसका मुलाजिम है, फाउंडेशन है जो कायम हुई है चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट 1890 उसके तहत। कैसे कायम हुई? मिनिस्टर वजारत दिफा ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने नेवल चीफ की दरखास्त पर वो कायम की फाउंडेशन। अब ये परमिशन कौन दे रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, वजारत दिफा। तो वजारत दिफा क्या है? हुकूमत है। तो अब इसके फाउंडेशन जो है, एम्प्लाइज हैं जो इस फाउंडेशन के, तो वो क्या क्या तस्वर होंगे? वो पब्लिक सर्वेंट तस्वर होंगे और उनके तहत प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत प्रोसीड किया जाएगा अगर कोई इर्तकाबे जुर्म किया ऑफिशियल कैपेसिटी में। सो दिस इज रिपोर्टेड एज 2003 बाय एल आर 1948। सुई गैस के मुलाजमीन, अब आप जानते हैं कि दैट इज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सुई सदरन गैस कंपनी की, क्या कहते हैं SSG, अच्छा सुई सदरन गैस कंपनी है ये, पब्लिक कंपनी आप जानते हैं, और ड्यूली इनकॉर्पोरेटेड बाय द अंडर कंपनीज ऑर्डिनेंस, इट इज आल्सो कोटेड एट द स्टॉक एक्सचेंज एज वेल, और इसका यह भी आपको मालूम है कि इट मेजॉरिटी शेयर बिलोंग्स आर वेस्टेड विद द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो क्या इसके मुलाजमीन पब्लिक सर्वेंट तस्वर होंगे? द आंसर इज नो।
ये जो बातें मैंने गिनवाई कि वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, इनकॉर्पोरेटेड भी है, उसके शेयर जैसे हैं, इन सारी चीजें ऐसी तक ये कैपेसिटीज होने से वो कोई डिपार्टमेंट नहीं बन जाता, वो कोई हुकूमत ही नहीं बन जाता, वो गवर्नमेंट का पार्ट नहीं तस्वर होगा, गवर्नमेंट या डिपार्ट ऑफ गवर्नमेंट नहीं बन जाता, तो वो पब्लिक सर्वेंट तस्वर नहीं होगा और लाइबिलिटी उसकी जनरल लॉ के तहत ही होगी। दिस इज रिपोर्टेड एज 2001 सीआरसी पेज 1559। ये जो सेक्शन है 21 विच डिफाइंस पब्लिक सर्वेंट, क्या ये एग्जास्टिव है? अगर इसको आप पढ़ें तो इसका जो फ्रेमवर्क है वो इंडिकेट करता है जैसे एक इलस्ट्रेटिव है, लेकिन इसका जो डिफरेंट हेड्स है बिलखसूस सब क्लास 9, 21 सब क्लास 9 एंड सब क्लास 10, दे आर सो एलेबोरेट एंड कॉम्प्रिहेंसिव कि विच मेक इट फुली एग्जास्टिव। एग्जास्टिव मतलब ये हर पर्पज के लिए इसमें मौजूद है, हर इवेंचुअलिटी, हर सिचुएशन को कवर करती है। सो दिस इज रिपोर्टेड एज AIR 1954 VINDHPRA 17 ब्रैकेट में 35। इस सेक्शन से हटकर सेक्शन 21 के अलावा देयर आर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस विच डिक्लेयर सर्टन पर्संस के वो शैल बी पब्लिक सर्वेंट। तो मिसाल के तौर पर जैसे पीसी है, उसने तो मिनवान 21 को ही ले लिया पीपीसी को, कि वो ही डेफिनेशन हमारी भी है, इसके अलावा और कई हैं, तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, तो वो फिर इस सेक्शन 21 के तहत विद शैल बी डीम टू बी विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 21 पीपीसी। तो सो दिस इज रिपोर्टेड एज 1972 क्रिमिनल लॉ जनरल 1583। एवरी जज इज ए पब्लिक सर्वेंट। जज जैसा कि डिफाइंड है सेक्शन 19 पीपीसी में, और जो ज्यूरी या मेंबर ऑफ द ज्यूरी, ज्यूरी कहें या पंचायत कहें, जिसको कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये इख्तियार दिया या कोर्ट ऑफ जस्टिस को असिस्ट कर रही है फैक्ट फाइंडिंग में या डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्प्यूट में, तो इस कैपेसिटी में उस ज्यूरी या पंचायत का जो मेंबर होगा वो उसकी डेफिनेशन में आ जाता है, जज की डेफिनेशन में आ जाता है। तो हैंस जो जज है वो आप जानते हैं कि वो पब्लिक सर्वेंट है, तो फिर वो ज्यूरी का मेंबर या पंचायत का मेंबर शैल बी डीम्ड टू बी ए पब्लिक सर्वेंट। दिस इज रिपोर्टेड एज AIR 1952 अलाहाबाद पेज 306। सबॉर्डिनेट जज इज ऑल्सो ए जज विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। तो जब जज है, भले वो सबॉर्डिनेट जज लिखा हुआ तो वो जज है, तो फिर वो पब्लिक सर्वेंट है। और जो इसमें वर्ड यूज हुआ है सेक्शन 21 पीपीसी में एवरी जज, तो इट इंक्लूड्स द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट एज वेल, तो इट कवर्स दैट एज वेल। दिस इज रिपोर्टेड एज जे दो जजमेंट्स लिख लें कि सबॉर्डिनेट जज पे की जो मैंने बात की उस पर AIR 1942 कैलकटा पेज 434 एंड एवरी जज जे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज भी इसमें आ जाते हैं 1993 PSC क्रिमिनल 443। सालिस जो है सेक्शन 19 पीपीसी के मुताबिक डू नॉट कम विद इन हैज बीन एक्सक्लूडेड रादर आई शुड से फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ जज। तो जब वो जज नहीं है आर्बिट्रेटर तो फिर वो पब्लिक सर्वेंट भी नहीं है। दिस इज रिपोर्टेड एज AIR 1940 पिशावर पेज 41। अगर कोई शख्स ऑफिसर ऑफ द कोर्ट नहीं है लेकिन कोर्ट ऑफ जस्टिस ने उसको स्पेशली ऑथराइज किया है कि कोई खास फराइज सर अंजाम दे, तो फिर वो शख्स, ऐसा शख्स जिसको कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑथराइज करे स्पेशली टू फॉर परफॉर्मेंस ऑफ सर्टन टाइप ऑफ फंक्शंस, तो वो शख्स भी पब्लिक सर्वेंट तस्वर होगा। दिस इज रिपोर्टेड एज AIR 1933 पटना 187। ऑफिसर ऑफ द कोर्ट जिसके, हर वो शख्स जो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है और जिसका काम क्या है जुडिशियल प्रोसेस को
एग्जीक्यूट करना, अमल दरामद करना, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट तस्वर होगा। 18 जिसे रिपोर्टेड एज 1868 ब्रैकेट में 2 बेंगलोर LR 21 पेज। रिसीवर हैज बीन एक्सप्रेसली इंक्लूडेड इन द क्लास एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। तो जब वो उसको ऑफिसर ऑफ द कोर्ट में इंक्लूड किया गया एक्सप्रेसली, तो वो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में भी आ गया। तो इसलिए इस पे पॉइंट पे देखें 1962 1 क्रिमिनल लॉ जर्नल पेज 658। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, कीप गाइडिंग मी, अल्लाह ने के बाद।